हाय फ्रेंड्स, अपना किचन पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू और काबुली चना की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। चूल्हे पर कढ़ाई रख देंगे, जब गर्म हो जाए तो 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और 4 से 5 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। अब इसमें हम लोग मोटा मोटा कटा हुआ 1 आलू डालेंगे। इस तरह से हम लोग देखिए लंबा लंबा काटे हैं और उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए प्याज और आलू थोड़े थोड़े भुन गए हैं हमारे। अब इसमें हम लोग 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्च और इन सारे चीज़ों को डाल करके अच्छे से 1 मिनट तक भून लेंगे। इस तरह से 1 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। उसके बाद 1 कटा हुआ टमाटर डालेंगे और उसको भी लगभग 10 से 15 सेकंड तक भून लेंगे। अब इसमें हम लोग उबले हुए चने डालेंगे, काबुली चना। फ्रेंड्स, पहले ही मैं काबुली चना को 5 से 7 घंटे तक भिगा ली थी और उसको प्रेशर कुकर में उबाल ली हूँ। अब इसमें हम लोग स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को और 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे मसालों और चना को। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, पानी आप अपने ग्रेवी के अनुसार डालिएगा। अगर आपको चावल से खाना है तो पानी थोड़ा बढ़ा के डालिए, रोटी से खाना है तो पानी थोड़ा कम ही डालिए। अब इसको हम लोग ढक्कन लगा करके 8 से 10 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे सब्जी अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें हम लोग धनिया पत्ता डालेंगे इस तरह से और धनिया पत्ता को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है फ्रेंड्स, आप इस तरह से ट्राई जरूर करिएगा। ये देखिए, अब इसको हम लोग गर्मा गर्म सर्व करते हैं। हमारी सब्जी बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।